नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर के जिला स्तर पर बीजेपी बैठक करेगी, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर भी रणनीति बनाई जाएगी। 20 अक्टूबर से पहले मतदाता सूची निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी रणनीति करने जा रही है बीजेपी सरकार। फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर भी रणनीति बनाएगी सरकार बीजेपी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी रणनीति बना रही है, मतदाता सूची से बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी बैठक करने जा रही है, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर भी रणनीति बनेगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर चल रही है, यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। निकाय चुनाव को लेकर के जिला स्तर पर बीजेपी बैठक करने जा रही है, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर भी रणनीति बनेगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर भी रणनीति बनाई जाएगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी बैठक होगी, चर्चा होगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है इस वक्त, तो निकाय चुनाव को लेकर के जिला स्तर पर बीजेपी करेगी बैठक, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर भी रणनीति बनेगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है? हाँ, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव को लेकर के मंथन चल रहा है, और जिसपे मंथन में शायद आज जिससे मीटिंग भी है, और दिल्ली में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी चुनाव आयोग की, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्योंकि जो समय सीमा का सीमांकन चल रहा था, उस सीमांकन के तहत भी कुछ होने हैं, लेकिन जिसमें बीजेपी ने बैठक की है और फर्जी मतदाताओं के जो नाम हटवाने पर रणनीति बनाई है कि 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान चलेगा, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर बीजेपी की बैठक होनी है, जिसमें ये मांग रखी जाएगी कि इस बार निकाय चुनाव में जो फर्जी मतदाता हैं उन मतदाताओं को हटाने का प्रयास किया जाए। बीजेपी को शायद ऐसा लगता है कि जो फर्जी मतदाता है उसकी वजह से उनकी निकाय चुनाव में सीटें कम हो जाती है, इस पर वो रणनीति बना रहे हैं। अभी इस पर क्या आदेश आना है ये नहीं पता है, लेकिन बीजेपी की 20 अक्टूबर तक की रणनीति रहेगी कि फर्जी मतदाताओं की सूची से नाम हटा दिया जाए, और सीमांकन की भी इसमें कुछ उथल पुथल चल रहा है, सीमांकन को लेकर इसके भी शायद रणनीति बनेगी। जी, जिला स्तर पर ये बीजेपी बैठक करेगी, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे? क्या जिला स्तरीय नेता शामिल होंगे या प्रदेश के बड़े नेता भी शामिल होंगे इसमें? नहीं, देखिए, ऐसे गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, तो गुजरात के चुनाव को लेकर के जितने जो बड़े नेता थे उनको अपने अपना क्षेत्र को, जैसे विधायक थे या जो मंत्री थे, उन लोगों को वहाँ पर, जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जिम्मेदारी यहाँ पर थी उनको, मंत्री को, तो उनको गुजरात को लिए गुजरात की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि निकाय चुनाव में शायद मंत्रियों को या किसी जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी निकाय चुनाव पर बीजेपी का कोई फोकस नहीं है, अभी गुजरात के चुनाव को लेकर के रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो 30 तारीख के बाद ही निर्णय हो सकता है कि निकाय चुनाव पर किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा 30 तारीख तक।
जी। शुक्रिया दानिश आपका, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे हम। खबर सीतापुर से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी को एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी, जहां पुलिस की गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं घटना में एम्बुलेंस ड्राइवर भी घायल हो गया है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है, जबकि पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जा रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का काफिला सीतापुर कोतवाली देहात इलाके में पहुंचा था, तभी अचानक साइकिल सवार आ जाने के कारण काफिला रुका और काफिला रुकते ही गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी घायल हो गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवराज सिंह जुड़ गए हैं। शिवराज, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है, जिस तरीके से काफिले में ये घटना घटी है, कितने लोग घायल हुए हैं, डॉक्टर भी घायल हुए हैं, उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सीतापुर के कोतवाली देहात के नेपालापुर चौराहे का मामला है, जहाँ पे काफिला जा रहा था, अचानक साइकिल सवार आ जाने के कारण बीच में ब्रेक लगाना पड़ा, गाड़ियां तेज थी, इस चक्कर में जो एम्बुलेंस थी उसने पीछे से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ही तुरंत सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, घायलों को। और इसके मामले में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जुकर बात की जाए ट्रैफिक या सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही भी कही जा सकती है। जी, कितने लोग घायल हुए हैं शिवराज इस घटना में? इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हैं, 3 डॉक्टर भी घायल। जी, क्या अब इनकी स्थिति क्या है? सबकी स्थिति जो इसमें एक सब इंस्पेक्टर है उनका थोड़ा सीरियस है और बाकी सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां डीपीआरओ ने 15 सफाई कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि वार रूम की मॉनिटरिंग में अनुपस्थित मिलने पर यह कार्रवाई की गई है, जहां एक सफाई कर्मी को निलंबित भी कर दिया गया है, वहीं 14 सफाई कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना सूचना के सभी 15 सफाई कर्मी गायब मिले थे। सभी सफाई कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संतोषजनक जवाब न मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये खबर श्रावस्ती से हम आपको बता रहे हैं, सफाई कर्मियों की लापरवाही पाई गई है। इसमें 15 सफाई कर्मी अपने ड्यूटी के दौरान गायब पाए गए हैं, जिसमें एक सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है और 14 का वेतन रोक दिया गया है। श्रावस्ती से यह खबर है, सफाई कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुण्य प्रकाश जुड़ गए हैं। पुण्य प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है, सफाई कर्मियों की बड़ी लापरवाही मिली है, जिसमें 14 सफाई कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है, एक को निलंबित कर दिया गया है, क्या पूरी जानकारी है? डीपीआरओ ने 15 सफाई कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से एक सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है और 14 सफाई कर्मियों का वेतन रोका गया है। इसलिए मामला सामने आया है, वार रूम की मॉनिटरिंग में अनुपस्थित पाए जाने पर इन सभी सफाई कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। बिना किसी सूचना के दिए हुए ये सभी सफाई कर्मी वार रूम से गायब मिले, जिसके लिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की गई है। जी, क्या डीपीआरओ निरीक्षण करने के दौरान ये कार्रवाई किए हैं या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे? जी जी, आपको बता दें, जी आज दिन निरीक्षण किया गया था, जिसे ये वार रूम में मॉनिटरिंग में अनुपस्थित पाए गए सभी सफाई कर्मी, जिसमें एक को निलंबित कर दिया गया और 14 का वेतन रोका गया है। इन सभी जिन सफाई कर्मियों को वेतन रोका गया है, उनके लिए सब कारण बताओ नोटिस भी इनको जारी की गई है। वो कारण स्पष्ट कर पाएंगे तभी मामले का सफादफा हो सकता है, या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत जानकारी के लिए। अक्सर आपने बयानों में चर्चा में रहने वाले गोंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला है। सांसद ने कहा कि पहले बाढ़ आने से समीक्षा बैठक होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। मीडिया ने जब उनसे प्रशासन के राहत शिविरों को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन कहाँ है, अब तो हम लोग सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं।
दिया है। सांसद ने कहा है कि पहले बाढ़ आने से पहले सरकारें समीक्षा बैठक करती थी अधिकारियों के साथ, लेकिन अब सरकारें समीक्षा बैठक नहीं कर रही हैं। सांसद का अपनी ही सरकार पर ये बड़ा बयान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ हेड जुड़ गए हैं दानिश। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। देखिए, ये बड़े ही गंभीर विषय है और ये मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सरकार के दावों की पोल खोलने की बात सामने आई है। जैसे कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों से और साफ बात से जाने जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले जो सवाल खड़ा किया है वो सवाल खड़ा किया है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर। दूसरा, जो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा है कि बाढ़ को लेकर के हालात जस के तस हैं और धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसको लेकर के सांसद ब्रजभूषण ने पहले सबसे पहले पूरा मामला वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर रख दिया है और दूसरा सरकार पर रख दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं तो उन्हीं की सरकार की ही किरकिरी हो गई और खुद अपनी सरकार को निशाने पर ले लिया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो सच्चाई बताई है, सच्चाई को लेकर के खुद अपने आप में सवाल खड़ा हो गया है कि सांसद जब ऐसी बात कह रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में बाढ़ के हालात से लेकर के क्या मुख्यमंत्री के जो हवाई दौरे चल रहे हैं वो सिर्फ हवा हवाई है या केवल दिखावे के दौरे चल रहे हैं? और अगर उत्तर प्रदेश बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगाया है अपनी सरकार पर सांसद ने। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कि हवाई दौरे मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, चाहे वो बाराबंकी की बात हो, गोंडा की बात हो, बहराइच की बात हो, बांदा की बात हो, सब तरफ बाढ़ से हालात बद से बदतर है। और आज ब्रजभूषण सिंह ने जिस तरीके से आरोप लगा दिया है कि सरकार का काम धरातल पे नहीं है और बाढ़ की लेकर के कोई तैयारियां पहले से नहीं की, उनके लिए कोई मीटिंग नहीं की गई और बाढ़ के बारे में उन्हें बताया नहीं गया, बाढ़ की तैयारियां पहले से करनी चाहिए थी, बाढ़ की व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए थी, अधिकारी इस मामले पर गंभीर नहीं है, तो क्या जिला प्रशासन केवल दिखावे के लिए फोटो खिंचवा रहा है या फिर हवाई दौरा मुख्यमंत्री का सिर्फ हवा हवाई साबित हो गया? सांसद ब्रजभूषण सिंह के जो आरोप है, जो निशाना है, वो बहुत ही गंभीर है, उसको सरकार को समझना पड़ेगा और इसकी सच्चाई क्या है ये खुद स्टेटमेंट में मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ेगी या वहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को इसके अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्योंकि सांसद ब्रजभूषण सिंह का आरोप हवा में नहीं हो सकता। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने जो आरोप लगाया है वो सीधे सीधे सरकार पर है, वहाँ के अधिकारियों पर, लेकिन ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित है, जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाने पीने की दिक्कतें हैं, छत की दिक्कत है, उनकी समस्या कैसे दूर होगी, इसके सबसे बड़ा सवाल है। जो राजनीतिक स्तर पर उसकी समस्याओं को सुलझाना भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में दावे किए जा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस से लेकर के सारी विकास धरातल पर चल रही है, धरातल पर सारी सामग्री पहुंचाई जा रही है, बाढ़ को लेकर के बहुत गंभीरता दिखाई जा रही है, हवाई दौरे हो रहे हैं, तो वो हवाई दौरे मुझे लगता है कि सब हवा हवाई साबित हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर एक बड़े राजनेता सांसद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं सही से नहीं कर पा रहे हैं लोग, बाढ़ के लिए पहले सरकारें जो थी वो पहले से तमाम तैयारियां करती थी लेकिन अब तैयारियां नहीं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में आरोप है सरकार पर। शुक्रिया आपका दानिश, ज़्यादा जानकारी के लिए। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है जहाँ जिला घाघरा नदी के उफान के कारण भीषण बाढ़ की चपेट में है। वहीं इस आपदा के बीच लोगों को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर के वो अब ट्रोल हो रहे हैं। इस वीडियो में डीएम सैमुअल पॉल को स्थानीय लोगों को इलाके में बाढ़ राहत शिविर स्थापित करने के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि अगर आप घर पर रह रहे हैं तो क्या हमें आपको खाना भेजना चाहिए? सरकार जोमैटो सेवा नहीं चला रही है। इस दौरान डीएम सैमुअल पॉल ने लोगों से कहा कि बाढ़ राहत शिविर में रहने की व्यवस्था है, हम आपको क्लोरीन की गोलियां देंगे, अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर यहां आकर के आपको देखेंगे, यही बाढ़ राहत शिविर का उद्देश्य है। हालांकि जोमैटो वाले बयान को लेकर के अब डीएम की जमकर किरकिरी हो रही है। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना? जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।